पे कुंडमलीर व्यू पॉइंट पे तो सफर आप लोगों ने देखा था, थोड़ा सा बहुत लंबा है। कोस्टल हाईवे अगर मैं बात करूं तो वो तो बिल्कुल क्लीन और सपाट है, तो नए नए रोड डले हुए, कहीं जो पैचेस खराब थे तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से बना दिए। लेकिन अगर हम कराची से हब के दरमियान का जो रास्ता है वो थोड़ा सा, आपको पता है कि वो कंस्ट्रक्शन चल रही है, रोड जो है वो खराब है, इस तरीके की चीजें। कराची से यहाँ तक स्टॉप बाय स्टॉप के बाद अगर मैं आया हूँ तो यहाँ पर आने के बाद जो है मुझे जितनी रिलैक्सेशन मिली ना, तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है। यहाँ पर आकर मुझे जो एहसास हुआ वो ये हुआ कि सफाई जो है अगर हम रखें तो उससे हमारे कराची के जो बीचेस हैं उनमें भी ब्यूटी आ सकती है। यहाँ का पानी देखें, अगर आप आगे आए तो देखें यहाँ पे बिल्कुल हरा पानी है। उसकी वजह क्या है, यहाँ पर हमारे लोग आते नहीं है, बहुत कम आते हैं, और गंदगी जो है वो समंदर के हिसाब से शायद कम होती है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर भी आया हूँ तो देखें यहाँ पे लोगों ने कीनू के छिलके फेंके हुए, कचरा फेंका हुआ है, उससे क्या हो रहा है, आलूदगी से पूरा जो ब्यूटी है नेचुरल वो आपकी खराब हो रही है। अच्छा जी, अगर हमें यहाँ से नीचे जाना है व्यू पॉइंट से तो थोड़ी सी हमें वॉक करनी है, और ये देखें ये रास्ता है इसका नीचे जाने का, और हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं ताकि थोड़ा सा जो है वो एहतियात से चलते हुए जाना है। लेकिन जो व्यू है उससे मैं कहता हूँ कि सारी चीज़ें जो है ना हमारी वो भूल जाते हैं, थोड़ी सी थकावट और इस तरीके की चीज़ें। अच्छा जी, अब मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल नीचे जाने की, तो यहाँ देख रहे हैं आप पानी बिल्कुल आ रहा है हमारे पास, और मैं उस तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो देखते हैं ये किस तरीके से जाता है। साथ साथ जो है वो पानी चल रहा है, और ये थोड़े से पथरीले रास्ते जिनको हमने कूदते हुए चलते हुए फलांगते हुए जाना है। जी देखें केव टाइप की बनी हुई है पत्थरों से, और ये कुछ भाई हमारे जो है वो फोटोग्राफी कर रहे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे पीछे जो है वो पानी आ रहा है यहाँ से, और बिल्कुल वही मंदिर है जो आपने आइलैंड वगैरह में देखा होता है। बस बात ये हो जाती है कि वहाँ पे डेवलपमेंट है और यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है। कुदरत भी क्या चीज है, आप देखें कि कितने तरह के मौसम दिए हैं कुदरत ने हमें, कितने तरीके के हमें समंदर दिए हैं हर तरह के, और वो बैठकर मैंने सोचा, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा, तो मैं समझता हूँ इस तरीके का डे आउट जो है आप लोगों को भी प्लान करना चाहिए और देखना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए हमारे अपने मुल्क की जो ब्यूटी है उसको। मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि इस तरीके के लिए अपने लिए टाइम निकालें और ज़रूर आएँ और देखें कि क्या पाकिस्तान में डिफरेंट जो है वो ख़जाने मौजूद हैं, और ज़रूर आएँ देखें। मैंने अपना टाइम बहुत ज़बरदस्त गुजारा, अभी भी मैं बल्कि जाते हुए मिस कर रहा हूँ कि मैं शायद डुबकी लगा सकता, लेकिन यहाँ पानी बहुत तेज़ है तो इसलिए मेरे लिए डुबकी लगाना बहुत मुश्किल है। अब देखते हैं कि किस तरीके से मैं जो है वो ये रेग्रेट के साथ जो है वो घर वापस पहुँच सकूँगा। कुंडमलीर कैसा है, यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज है, अब मैं आया यहाँ पे मैंने थोड़ा सा देखा तो यहाँ पर कुछ जो है वो रिजॉर्ट भी बन गए, तो जो कुछ लोगों का खदशा था कि यार यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, सबसे पहले पब्लिक यहाँ पर टॉयलेट एक मौजूद है, जो लोग आ रहे हैं फैमिली के साथ तो वो जरूर है। दूसरी जो बात है कि अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर हट्स वगैरह भी मौजूद है। हफ्तेलार के नाम से यहाँ पर जो है वो एक जो है वो रिजॉर्ट भी खुल चुका है, जिसमें अगर मैं बात करूँ तो डिफरेंट फैमिली के हिसाब से आप यहाँ पर वन नाइट स्टे भी कर सकते हैं, खाने पीने की भी तमाम फैसिलिटी। अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर बैठा, मैंने सोचा अपनी जिंदगी के बारे में,
मैंने सोचा नेचुरल ब्यूटी के बारे में, मैंने सोचा कि यार मैं अपने लिए वक्त क्यों नहीं निकाल पाता। कभी ना कभी थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चीज़ें जो है वो आपके लिए अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और मैं आया, मैंने अपने बारे में सोचा क्या क्या मेरी गलतियाँ हैं, क्या क्या मेरे जो गलत फैसले हैं जिनकी वजह से मैं जो है लाइफ में बहुत सारी जो है वो चैलेंजेस झेलता हूँ। लेकिन ये सब मौका मिला इस तरीके के मकामात पर, पुरसकून मकामात पर आने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ। तो अब मैं करता हूँ अपनी भाषणगिरी बंद, मेरा ख्याल है बहुत टाइम हो गया। आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।